चलो सो आज हम लोग करेंगे वर्किंग विथ कमर्स, मतलब लिनक्स का कुछ कमर से कम करेंगे ये वाला लाइन में। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा इसको रेडी होने पर, तब तक हम लोग वेट कर लेंगे। जब तक ये रेडी ना होंगे तब तक हम लोग काम नहीं कर पाएंगे इस पर, सो इसलिए वेट करना होगा। वेट करते हैं। ओके गाइस, लैब रेडी हो गया। चलिए अब फटाफट से की डाउनलोड कर लेते हैं। SSH की डाउनलोड PM क्लिक करिए तो डाउनलोड हो जाए ऑटोमेटिक। एंड ये वाला जो पब्लिक IP है इसका कॉपी करना है। कॉपी करके हम लोग मोबाइल स्ट्रीम में चले जाएंगे इसको कनेक्ट करने के लिए। सेशन देन SSH देन रिमोट होस्ट पर जो IP हम लोग कॉपी किए थे वो वाला पेस्ट कर देंगे। एक यूज़र नेम देना पड़ेगा, कोई भी दे सकते हैं आप लोग। हम इधर दे रहे हैं कि EC2 क्योंकि मैं सब EC2 में किए हैं। यूज़र देन एडवांस SSH सेटिंग्स में जाके हम लोग जो की डाउनलोड किए थे ना उसको इधर अपलोड करना होगा। सो पहले आप लोग ये वाला चेक बॉक्स चेक कर लीजिए, देन इधर जाके इसको अपलोड करिए, देन ओके एक्सेप्ट। ऐसा वाला जो बार आ जाएगा ना तब आप लोग समझ लीजिए कि ये वाला काम हो गया, मतलब कनेक्ट हो गया। तो चलिए लैब में जाते हैं। ओके क्या बोला है देखते हैं। यूज़ द टी कमांड। तो बेसिकली टी कमांड यूज़ होता है स्टैंडर्ड इनपुट के लिए, और ये टी जो होता है ये स्प्लिटिंग के काम भी करता है। ठीक है तो क्या बोला है, फर्स्ट हम लोगों को चेक करने को बोला है PWD देकर जो हम लोग कहाँ पर है। तो जब भी आप लॉग इन करेंगे कनेक्ट करेंगे तो पहले आप एक बार चेक कर लीजिए कि आप कौन सी यूजर में है। तो हम लोग EC2 में ही है। देन बोला है टी कमांड यूज करेंगे, तो इससे हम लोग होस्ट नेम को स्प्लिट करेंगे एक्सटेंडेड पुट देंगे। ठीक है ये वाला कमांड भी चला लेते हैं। देखिए हो गया ना, आ गया। सो नेक्स्ट बोला है कि LS करके देखने के लिए। ठीक है LS करते हैं क्या दिखाता है देखते हैं। कंपनी ए में एक फाइल भी क्रिएट है, फाइल वन देखिए। ओके देन हम लोग कैट करेंगे। सो कैट कमांड बेसिकली यूज होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग मेरा पिछले वीडियो देखा है। सो व्यू द फाइल्स और कंटेंट, मतलब आप लोगों को
फाइल के अंदर कुछ देखना है, क्या है, उसके लिए कैप कमांड यूज होता है। तो इससे पूरा ही देना पड़ेगा, ये भी देना होगा, मतलब इसके अंदर हम लोग ये भी लिखेंगे। ओके, एंटर। ओके, व्हेन यू डन देन प्रेस कंट्रोल डी। ओके, कंट्रोल डी। ओके, तो एक बार रिलीज करके देखते हैं टिक्सीएस में क्या हुआ है। ओके, टिक्सीएस में है, देन उसको सॉर्ट करने है। तो सॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये सॉर्ट, सॉर्टिंग। सॉर्ट का मतलब होता है सॉर्टिंग, मतलब सॉर्ट। ओके, सो ये नंबर के बेसिस में सॉर्ट हो गया है, मतलब नंबर के बेसिस में नहीं, ये फैक्ट्री का एक सीरियल में आ गया और स्टोर का अलग से आ गया। ओके, चलिए ये तो हो गया। देन ओके, सो फाइंड कमांड बेसिकली यूज होता है, मतलब कुछ सर्च करने के लिए, कोई फाइल्स कोई फोल्डर। और ग्रीप होता है आपका सर्च स्पेसिफिक कैरेक्टर्स और एक्सप्रेशन। देखिए इधर बोला है कि जो हम लोगों को पेरिस को सर्च करना है, मतलब ये जो है जो लिस्ट है इसमें से पेरिस, तो पेरिस को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। इधर तो बहुत सारा है, बहुत सारा कुछ लिखा है। सो उसके लिए पहले हम लोगों को फाइल को फाइंड करना होगा। सो फाइल, सो इसीलिए फाइंड कमांड। और दो कमांड के बीच में, मतलब सेपरेटर हिसाब से, ये जो पाइप कमांड यूज होता है। और ग्रीप से मदद से हम लोग ये वाला जो पेरिस वर्ड को फाइंड करेंगे। ठीक है, चला के देखते हैं ये वाला कमांड को। ओके, देखिए सो पेरिस कहाँ पर मिलेगा, फैक्ट्री वन पर पेरिस मिलेगा। सो हम लोग पेरिस को ढूंढ लिया इधर से। ओके, सो नेक्स्ट होता है काट कमांड। काट बेसिकली होता है कि मतलब कुछ चीज़ को आप काट करके इधर से एक सेपरेट प्लेस में रखना। सो यही काम है इधर भी। सो पहले हम एक कैट सिटीज कर लेंगे, मतलब एक सिटीज करके सीएसवी फाइल भी करेंगे, उसके अंदर भी जाएंगे ऐसे करके। देन जो बाकी जो दिया है इसको ऐड करेंगे। ओके, एंटर, देन कंट्रोल डी। ओके, तीन बोला है काट कमांड से यूज करके जो हम इसके बीच में जो कमा है ना उसको हटा देना है। सो ये वाला कमांड यूज करके हम कमा से बाद का जो है सब हटा देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं वाला कमांड रन। देखिए सो हम लोग दिए थे डालास कमा टैक्सेस टेक्सस। देन सो इधर देखेंगे तो कमा के बाद में जो था सब हट गया। सो कट कमा से हम लोग ये कर सकते हैं। तो इससे कि ये एक एडिशनल चैलेंज है, आप चाहे तो आप लोग कर सकते हो। तो इसके साथ ख़त्म होता है हमारा लैब। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।